हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन बाग एकेडमी। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। देखिए स्टूडेंट, आज से हम लोग आप लोगों का क्लास 10th के लिए रिवीजन पूरा स्टार्ट कर रहे हैं। बोर्ड एग्जाम आप लोगों के आने वाले हैं, जहां तक है 5 अप्रैल में करा ही देंगे, तो उसके लिए आप लोगों का रिवीजन होना बहुत ही जरूरी है। और जो स्टूडेंट्स फुल लेक्चर्स विद डिटेल एक्सप्लेनेशन अटेंड करना चाहते हैं, तो वो प्लेलिस्ट में जाके फुल लेक्चर्स भी मैंने आप लोगों को कराए हुए हैं विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, वहां से अटेंड कर सकते हैं। और जो ऑलरेडी अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, और मेरे ख्याल से जहां तक 90% तो कर ही चुके हैं, कुछ बच्चे हैं जो नहीं करते, तो जिनका हो चुका है फुल रिविजन, आई मीन फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, वो लोग अपना सारे सिलेबस को फिनिश कर चुके हैं, तो उन लोगों के लिए ये क्लासेस बहुत ही बेनिफिट होने वाली हैं, क्योंकि रिवीजन में एक्चुअली आप लोगों को सारी चीजें रिवाइज कराई जाती हैं विद शॉर्ट टाइम पीरियड। आपको ऐसा नहीं है बहुत लेंथी में आप लोगों को जाना है कि भाई 4-4, 5-5 दिन तक एक ही चैप्टर का लेक्चर आप लोगों को कराया जा रहा है। इसमें क्या है आप लोगों का कि सिर्फ और सिर्फ जितने भी टॉपिक्स हैं उसका एक पूरा शॉर्ट में रिवीजन आप लोगों को कराया जाता है, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल होता है, क्योंकि फुल चैप्टर्स तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। आपको पढ़ना क्या है, आपको पढ़ना है कि एक्चुअली मैं जितने भी टॉपिक्स हैं उनको समझना कि इन टॉपिक्स में ये होता है, और उसको अपनी थ्योरी और अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके बोर्ड एग्जाम में लिख के आना। बोर्ड एग्जाम में ध्यान रखना बच्चों, कभी भी बुक की लैंग्वेज नहीं लिखनी चाहिए, लैंग्वेज वो लिखनी चाहिए जो आपने टॉपिक में समझी है। बुक की लैंग्वेज कोई नहीं चाहता। आजकल एग्जामिनर क्या चेक करते हैं, दैट हाउ स्टूडेंट्स शो देयर व्यूज एंड थॉट्स इन एग्जाम। एग्जाम का मतलब ये नहीं होता कि आप क्या पढ़ के आए, क्या रट के आए, वो लिखो एग्जाम में। क्या मतलब होता है कि बच्चों ने जो पढ़ा है उसको वो अपने व्यूज और थॉट्स में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं इन एग्जाम। दैट्स द पॉइंट। तो हम लोग अपना सबसे फर्स्ट चैप्टर आप लोगों का 10th का जो है हेडिटी एंड इवोल्यूशन, उसको स्टार्ट करते हैं एंड देन शॉर्ट में जल्दी से पढ़ते हैं। पहले तो आप लोगों को पता ही होगा एक चीज, और स्टूडेंट इसमें आप लोगों का काफी रिड्यूस्ड सिलेबस भी है, वो रिड्यूस्ड सिलेबस पढ़ने की आप लोगों को जरूरत नहीं है, ना मैं ज्यादा कराऊंगी। देखिए जरूरत तो है ही है, क्योंकि जो चीज यहाँ रिड्यूस्ड है वो 11th में तो प्रेजेंट है ना, 12th में भी प्रेजेंट है। 10th एंड 9th क्लास इज द बेस। 10th और 9th क्लास क्या होती है, ये बेस होती है। भले ही यहाँ पर आपका सिलेबस रिड्यूस कर दिया, लेकिन जो टॉपिक यहाँ रिड्यूस्ड करती है वो 11th में और 12th में थोड़ी ना रिड्यूस्ड है। सो आप ये चीज मत सोचो कि यहाँ पर ये रिड्यूस्ड कर दिया है, ठीक है, आप एग्जाम पर्पस के लिए उस चीज को एक ड्रॉप डाउन कर दीजिए, नो इश्यू, आप उसको कुछ समय के लिए छोड़ सकते हैं, आपको उतना हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। बट ये मत करना कि आप 11th और 12th के लिए उसे परमानेंट छोड़ दो, एक बार उसको जरूर पढ़ते हुए चलना, ताकि 11th और 12th में ना आप लोग को ये ना लगे अरे यार ये तो हमने बिल्कुल टच तक नहीं करा, सुना भी नहीं, ये चीज मत होने देना भाई वो चीज, क्योंकि 11th और 12th में रिड्यूस नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो आप लोगों का चैप्टर है हेडिटी इवोल्यूशन, इसमें हम लोग जो टॉपिक्स पढ़ते हैं वो है हेडिटी एंड हेडिटी चेंजेस, 3 है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन, Evolution, Evidences of Evolution, Darwin's Theory of Natural Selection, Lamarckian Speciation and Human Evolution. यही है आप लोगों का, ठीक। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों का आता है Heredity and Hereditary Changes, यही आते हैं आप लोगों के। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले Heredity में बता देती हूँ मैं, यहाँ आप लोगों के लिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या है, मैं पूरा वो नहीं कराऊंगी, मैं वो नहीं पढ़ूंगी आप लोगों के लिए, मैं पूरा थ्योरी पढ़ रही हूँ देन आपको बता रही हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी, बाकी के आप लोगों के यहाँ वन वर्ड की तरह पूरे मैंने स्पेशल मार्क कर रखा है और फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन के साथ तो मैंने करा ही रखा है, तो थ्योरी नहीं पढ़ने वाली हूँ मैं, वो आप पढ़ेंगे अपनी तरीके से, मुझे यहाँ एक्सप्लेन करना है इन शॉर्ट, क्योंकि शॉर्ट में ही आप लोग उस चीज को समझ पाओगे और अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर पाओगे। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ बात करते हैं हेरिडिटी की। हेरिडिटी वैसे आप लोगों ने 8th में भी पढ़ा होगा, थोड़ा सा पार्ट है ये, 9th में भी आप लोगों ने ऑलरेडी इसका थोड़ा सा पार्ट पढ़ रखा है। हेरिडिटी, हेरिडिटी इज द ट्रांसफर ऑफ जीन्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। हम लोगों के कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, राइट, हम लोगों के बॉडी के
कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, ऐसे कैरेक्टर नहीं कि मुझे ऐसे खाना पसंद है तो मैं ऐसे खा रहा हूँ, मुझे वो खाना पसंद है तो वो खा रहा हूँ, वो वाले कैरेक्टर्स की बात नहीं कर रहे। कैरेक्टर्स का मतलब है जैसे स्किन कलर हो गया, हेयर की लेंथ, हेयर कलर हो गया, इसके अलावा हाइट हो गई, जो आप लोगों के बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं। कौन से कैरेक्टर्स हैं? बायोलॉजिकल, लिखा भी हुआ है बायोलॉजिकल कैरेक्टर। जब वो हमारी बॉडी से हमारी जनरेशन में ट्रांसफर होते चले जाते हैं, ऑब्वियसली बात है, जब फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि जब यहाँ पर दो पेरेंट्स के सेल्स मीट करते हैं, फर्टिलाइज्ड होते हैं, तो ऑब्वियसली बात है उन सेल्स में उन पेरेंट्स के बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स भी होते हैं, और जब वो मिक्स्ड होते हैं और मिलके एक जायगोट बनाते हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि उस जायगोट में, उस बेबी में मदर और फादर दोनों के जो बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं वो भी क्या होते हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं। सो व्हाट इज हेरिडिटी? हेरिडिटी इज द ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन। और यहाँ पे जो मॉडर्न जेनेटिक्स है, इसके बारे में सबसे पहले ग्रेगर जोहन मेंडल ने बताया था। 1 point का मार्क का क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान रखना है कि मॉडर्न जेनेटिक्स के बारे में या मॉडर्न जेनेटिक्स के जो फादर हैं वो कहे कौन जाते हैं? ग्रेगर जोहान मेंडल को कहा जाता है। एंड इन 1901 द रीजन बिहाइंड द सडन चेंजेस वर अंडरस्टूड बाय, यानी कि 1901 में यहाँ पर क्या है कि हमारी बॉडी में क्या है, टाइम टू टाइम हमारी बॉडी में चेंजेस भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि मदर फादर में जो चीज है वही बच्चों में सेम एज इट इज चला जाए, बिल्कुल डिट्टो 100% वाली सेम एज इट इज चला जाए, ऐसा नहीं होता है ना। कुछ बदलाव के साथ जाता है। सपोज करो कि फादर का जो स्किन कलर है वो थोड़ा सा ब्राउनिश है, कैसा है यहाँ पर, ब्राउन है, तो आप एक बात बताओ, जो बेबी पैदा हुआ वो व्हाइट कलर के स्किन का हो गया, कुछ भी हो गया, राइट, चेंज हो गया ना, यानी कि फादर के स्किन का जो जीन था वो ब्राउन कलर का था, लेकिन भाई बच्चे में थोड़ा सा वो चेंज हो गया, जीन क्या हो गया, वो चेंज हो गया, इसलिए बच्चे का जो कलर है वो व्हाइट एकदम सफेद गोरा पैदा हुआ, ठीक। तो ये क्या है कि इसमें बोला गया है कि जरूरी नहीं है कि मदर और फादर के जो कैरेक्टर्स हैं वो जाते हैं, वो बात ठीक है, लेकिन सेम एज इट इज 100% सेम एज इट इज वैसे चले जाए, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, कुछ ना कुछ बच्चों में चेंज आ जाते हैं। और सबसे पहले इस चीज के बारे में कौन से साइंटिस्ट ने बताया था? ह्यूगो डोवेरिस ने बताया था, और इसके लिए उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था म्यूटेशनल थ्योरी। इस म्यूटेशनल थ्योरी में ह्यूगो डोवेरिस ने बताया था इन 1901 में कि पेरेंट्स के जो कैरेक्टर्स हैं, बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स, ठीक है बच्चों में जाते हैं, उनकी जनरेशन में जाते हैं, बट दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि वो बिल्कुल 100% एज इट इज जाए। इसके अलावा हमारी बॉडी में क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होती है 1902 में। सबसे पहले इस चीज को बताने वाले साइंटिस्ट थे वॉल्टर एंड सटन, और उन्होंने किस में बताया था? ग्रास होपर में। उन्होंने ग्रास होपर के सेल्स के अंदर सबसे पहले क्रोमोसोम्स की पेयरिंग को क्या है, ऑब्जर्व किया था 1902 में। किसने किया था? वॉल्टर एंड सटन ने। और उन्होंने इस बात पर भी रिसर्च करी थी कि हम लोगों के जो जीन है, यहाँ पर एक सीरीज याद कर लो, वैसे तो मैंने पहले भी बताई हुई है, यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझाया हुआ है, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो लास्ट लेक्चर में जाके देखिए। जीन इज प्रोटीन, मैं लिख देती हूँ सीरीज कैसे होती है। देखिए सबसे पहले हमारी बॉडी में जो मेन होते हैं वो होते हैं क्रोमोसोम्स, ठीक है। क्रोमोसोम्स किससे बने होते हैं? डीएनए से बने होते हैं। डीएनए के अंदर किसकी प्रेजेंट होती है? जीन। और जीन एक्चुअली में है क्या बेटा? वो है आपका प्रोटीन। तो इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो ये जो प्रोटीन है, जो जीन है, इसको कौन कैरी कर रहा है? क्रोमोसोम्स कैरी कर रहे हैं ना, राइट। तो इस चीज को किसने प्रूफ किया था? वॉल्टर एंड सटन ने ही इस चीज पे रिसर्च करी थी, उस चीज को प्रूफ किया था कि जो हमारी बॉडी के जो जीन होते हैं जिसमें बायोलॉजिकल कैरेक्टर है, प्रोटीन है, वो इनडायरेक्टली कौन कैरी करके एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करता है? क्रोमोसोम्स करते हैं, ये इन्होंने बताया था। उसके बाद 1944 में ट्राई ऑफ साइंटिस्ट, तीन साइंटिस्ट थे, ऑस्वर्ल्ड एवरी, मैकलिन मैकार्टी एंड कॉलिन मैक्लियोड, ये तीनों थे। इन्होंने वायरस को छोड़ के, क्योंकि वायरस के बारे में आज तक कोई साइंटिस्ट नहीं बता पाया है, उन्होंने वायरस को अलग छोड़ दिया, उन्होंने कहा भैया मैं नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा। उन्होंने क्या कहा? इन तीनों साइंटिस्ट ने अपनी खुद की रिसर्च करी, बहुत सारे प्रूफ वगैरह किए, बहुत सारी चीज एक्सपेरिमेंट किए, और उन्होंने बोला कि हमारे पूरे इस अर्थ पर जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है
उनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक्चुअली क्या है, डीएनए है। पता है ना आप लोगों को, अगर किसी के बच्चे को उसके फादर से मैच करना है कि वाकई में इसके फादर है, इसका बच्चा है, तो डीएनए चेक करते हैं। कहते हैं कि डीएनए चेक करो तो पता चल जाएगा ये इसके फादर है, इसका बेटा है या नहीं है। कल्प्रिट को पकड़ना होता है, किसी के फिंगरप्रिंट मैच करने होते हैं, तो किसका यूज करते हैं, डीएनए का यूज करते हैं। तो डीएनए इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इट इज कॉल्ड एज अ जेनेटिक मटेरियल। इज कॉल्ड एज अ जेनेटिक मटेरियल और इस चीज को प्रूव किया था हमारे इन तीन साइंटिस्ट ने मिलके। उसके बाद 1961 में हम लोगों के फ्रेंच जेनेटिस्ट एक साइंटिस्ट थे, दो, फ्रैंकियो जैकॉब एंड जैक मेनॉन। इन्होंने डीएनए मॉडल फॉर प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज विद द हेल्प ऑफ डीएनए इन द बैक्टीरियल सेल। हमारी बॉडी में प्रोटीन बनता है, पता है ना इस चीज के बारे में, तो सबको पता है कि हमारी बॉडी में क्या है, प्रोटीन बनता है। तो यहाँ पे जो साइंटिस्ट लिखे हुए हैं फ्रैंको जैकॉब या फिर जैक मेनॉन, इन्होंने कि हमारी बॉडी में प्रोटीन की फॉर्मेशन कैसी होती है, सिंथेसाइज का मतलब प्रोड्यूस्ड होना, सिंथेसाइज का मतलब क्या होता है, प्रोड्यूस्ड होना, बच्चों को नहीं पता होगा मैं बता रही हूँ। सिंथेसाइज मतलब कि हमारी बॉडी में जो प्रोटीन प्रोड्यूस्ड हो रहा है या बनना है वो एक्चुअली किसकी वजह से बन रहा है, डीएनए की वजह से बन रहा है। और सबसे पहले ये किस चीज में प्रूव किया था, बैक्टीरियल सेल्स में, इस चीज को पूरा एक्सपेरिमेंट किया गया था। उन्होंने बैक्टीरियल सेल लिया, उसके ऊपर पूरी अपनी एक्सपेरिमेंट सब कुछ किया और उन्होंने क्या बताया कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो डीएनए होता है उसी डीएनए की वजह से हमारी बॉडी में प्रोटीन प्रोड्यूस्ड होता है या फिर बनता है। कैसे बनता है वो मैं बताती हूँ। ये देखो हमारी बॉडी में डीएनए होता है, ठीक है, डीएनए तो पता है ना डबल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है। अब यहां पर आपको पता है हमारी बॉडी में आरएनए भी होता है, होता है कि नहीं होता, आरएनए होता है हम लोगों का सिंगल स्ट्रैंड। सिंगल स्ट्रैंड कब बना होगा, जब इसमें से एक स्ट्रैंड हट गई होगी। भाई हमारे बॉडी में डीएनए होता है जो कि डबल स्ट्रैंडेड है, जब इस सब डबल स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड हट गई तो एक सिंगल स्ट्रैंड बची, इसको हम क्या बोलते हैं, आरएनए बोलते हैं, ठीक। अब आरएनए किसकी फॉर्मेशन करता है, अगर डायरेक्टली देखा जाए तो डीएनए किसकी फॉर्मेशन करी, आरएनए की फॉर्मेशन करी। आरएनए किसकी फॉर्मेशन करता है, राइबोसोम्स की, राइबोसोम छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं इस तरीके से, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, राइबोसोम्स। ये राइबोसोम्स किसको प्रोड्यूस करते हैं, प्रोटीन को प्रोड्यूस करते हैं। सीरीज बना लो वन नोट में, चाहे कैसे भी करके, कैसे करके एरो बना के आप अपनी कॉपी में बना लीजिए, इट विल हेल्प यू इन योर एग्जाम। मैं यहाँ बहुत अच्छी तरीके से बता रही हूँ, उस चीज को एकदम लाइन वाइज, वन पॉइंट वाइज वाइज करके लिखिए। तो यहाँ पे क्या बोला कि यहाँ पे इन दोनों साइंटिस्ट ने, जैकॉब ने और मॉनवर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया, किसके अंदर किया, बैक्टीरियल सेल्स के अंदर किया। और क्या कह दिया यहाँ पर कि यहाँ पर हमारे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर जो प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा है, बन रहा है, किसके थ्रू हो रहा है, डीएनए के थ्रू हो रहा है। तो डीएनए के थ्रू ही होता है, इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो डीएनए के थ्रू ही हो रहा है, क्योंकि अगर डीएनए नहीं होता तो आरएनए की फॉर्मेशन नहीं होती, आरएनए की फॉर्मेशन नहीं होती तो राइबोसोम्स नहीं बनते, और राइबोसोम्स नहीं बनते तो प्रोटीन तो वैसे भी नहीं बनता। जी डीएनए डबल स्ट्रैंड था तभी तो उसने सिंगल स्ट्रैंड को आरएनए को बनाया, और आरएनए ने फिर राइबोसोम्स की छोटे छोटे पार्टिकल्स की फॉर्मेशन करी, और जब राइबोसोम्स बन गए तो उन्होंने किसकी फॉर्मेशन कर दी, प्रोटीन की फॉर्मेशन कर दी। समझ में आया इतना, तो इनडायरेक्टली देखा जाए तो हमारे बॉडी में प्रोटीन किसकी वजह से बनना है, डीएनए की वजह से बनना है। It helped to uncover the genetic codes hidden in DNA. Actually, देखिए यहाँ पर होता क्या है, जैसे कि हमारी बॉडी में क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारी बॉडी क्यों काम कर रही है, किसकी वजह से कर रही है, आप क्या कहोगे, हम ब्रेन की वजह से कर रही है। हमारा ब्रेन हमें क्या कर रहा है, कमांड भेज रहा है, सिग्नल्स भेज रहा है हमारी बॉडी में, भेज रहा है ना, हमारी बॉडी में क्या कर रहा है, कमांड भेज रहा है, सिग्नल्स भेज रहा है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो अपनी फंक्शनिंग कर रहे हैं, कर रहे हैं। यहाँ पर भी यही चीज है, यहाँ तो चलो पूरी बॉडी की बात करी मैंने, ब्रेन की, लेकिन अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि एक्चुअली में हमारे ब्रेन को या हमारी पूरी बॉडी को जो सिग्नल्स मिल रहे हैं, या हर एक सेल को, ब्रेन क्या है, सेल से मिलके बना है ना, ब्रेन किससे बना है, नर्व, ब्रेन में क्या होती है, नर्व्स होती है, नर्व आर द सेल्स, नर्व सेल्स होते हैं। तो अगर हम सेल्स की बात करें, सिंपल बात करें सेल्स की, तो सेल्स
अपना काम कर रहे हैं हर तरीके से, चाहे ब्रेन में कर रहे हैं, चाहे हार्ट में कर रहे हैं, चाहे लिवर में कर रहे हैं, चाहे कहीं भी कर रहे हैं, लेकिन काम कर रहे हैं ना, तो सेल्स को भी तो कोई सिग्नल दे रहा होगा भाई, सेल्स को भी तो कोई सिग्नल और कमांड दे रहा होगा। कौन देता है? डीएनए देता है, समझे? कि सेल्स को यहां पर अपनी फंक्शन के लिए कौन कमांड दे रहा है? डीएनए कमांड देता है। किसकी फॉर्म में देता है ये? यहां पर डीएनए कोड की फॉर्म में देता है। अब एक बात बताओ, सेल है, सेल चैप्टर के बारे में आप लोगों ने क्लास 8th में 9th में पढ़ा है ना, सेल के अंदर काफी सारे ऑर्गन्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर सेल ऑर्गेनल्स। पढ़ा है ना आप लोगों ने, 8th में पढ़ा होगा कि सेल के अंदर काफी सारे उसके अदर ऑर्गन्स होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स, और हर एक सेल ऑर्गेनल्स का अपना अलग 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 फंक्शन होता है, अपना अलग अलग काम करते हैं। तो जो डीएनए अपना सिग्नल भेज रहा है, पहली बात तो किसकी फॉर्म में भेज रहा है? कोड की फॉर्म में भेज रहा है। कोड की फॉर्म में पता है क्यों भेज रहा है? क्योंकि सपोज करो यहाँ पे 4 सेल ऑर्गेनल है, ये डीएनए ने अपना यहाँ पे सिग्नल भेजा, तो किसी एक को ही तो भेजेगा, यानी कि हर एक को अपना अलग अलग फंक्शन बताएगा ना। तो अपने डीएनए ने अपना एक सिग्नल इस वाले ऑर्गन को बताया, डीएनए ने अपना एक सिग्नल इसको भेजा, डीएनए ने अपना एक सिग्नल इस ऑर्गेनल को भेजा, डीएनए ने अपना एक सिग्नल इस ऑर्गेनल को भेजा, डीएनए ने अपना एक सिग्नल इस ऑर्गेनल को भेजा। इसीलिए वो कोड की फॉर्म में बोलता है सीक्रेट, कि एक मैसेज किसी दूसरे को पता ना लग जाए। स्कूल में करते हो ना, फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन एक डीप अच्छे वाले फ्रेंड को एक मैसेज देना है, एक सिग्नल देना है, तो कोड की फॉर्म में नहीं भेजते हो। स्कूल याद कर लो, स्कूल याद आ जाएगा, कोड की फॉर्म में भेजते हो कि नहीं भेजते, ताकि किसी दूसरे वाले को पता ना चल जाए। तो यहाँ पर भी तो यही है भाई, सेल के अंदर 4 ऑर्गेनल है, 5 ऑर्गेनल है जितने भी है, और डीएनए उनको कमांड दे रहा है उनके फंक्शन के लिए, तो हर एक को अलग अलग देगा, तो कोड की फॉर्म में ही तो देगा, ताकि दूसरे को ना पता चल जाए। दैट्स द पॉइंट, ओके। एंड द टेक्निक ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एमर्ज व्हिच हैज वास्ट स्कोप इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब देखिए, हमारी बॉडी में क्या है? डीएनए होता है। डीएनए से हम लोग काफी सारी चीज को क्या बोलते हैं, बना चुके हैं, एक आर्टिफिशियल चीज हम लोग काफी सारी बना चुके हैं डीएनए के थ्रू। तो कहीं ना कहीं डीएनए से हम लोगों की एक इंजीनियरिंग में एक नई ब्रांच आ चुकी है, जिसे हम लोग बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। पता भी होगा, काफी स्टूडेंट्स हैं, उनको पता भी रहता है। यहाँ पर किस किस में, जैसे डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, हेरिडिटी डिसऑर्डर्स हो गए, या फिर एनिमल्स प्लांट की कोई हाइब्रिड वेराइटीज है, या फिर माइक्रोब्स को हम किस तरीके से इंडस्ट्रीज में यूज कर सकते हैं, इन सब में हम लोगों की जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज होती है। अब हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं मेन पॉइंट, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन पे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन की। अब देखिए, पहले तो एक चीज, हमें काफी सारी चीजें हैं वो समझ लेते हैं। मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया, मैंने अभी आप लोगों को एक सीरीज, ये 2-3 सीरीज है जो मैं आपको बताऊंगी, नोट डाउन कर लो अच्छे से। देखो, हमारी बॉडी में क्या होता है, डीएनए होता है जो कि डबल स्ट्रैंड होता है। डीएनए से हम लोगों की किसकी फॉर्मेशन होती है? आरएनए की फॉर्मेशन होती है, जो कि सिंगल स्ट्रैंड होता है, ठीक है। उसके बाद आरएनए हमारी किसकी फॉर्मेशन करते हैं? राइबोसोम्स की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। राइबोसोम छोटे छोटे पार्टिकल्स, ऐसे 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 छोटे छोटे होते हैं, ये किसकी फॉर्मेशन करते हैं? ये हमारी प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं, पहली सीरीज। दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है, अगर आपको ये 2-3 चीजें याद हो गई, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन, आप कभी भूल नहीं सकते, ध्यान रखना, ये मेरी गारंटी है। अगर ये 2-3 चीजें आपने याद रखी, आप ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन भूल नहीं सकते, बस पढ़ते जाओ उससे। तो यहाँ पर क्या हुआ बेटा, कि डीएनए डबल स्ट्रैंड है, डबल स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड हट गया, किसकी फॉर्मेशन हो गई? आरएनए की हो गई। आरएनए से छोटे छोटे पार्टिकल्स की फॉर्मेशन होती है, जिसको हम बोलते हैं राइबोसोम्स। फिर राइबोसोम्स हमारे किसको प्रोड्यूस करते हैं, हमारी बॉडी में प्रोटीन को प्रोड्यूस करते हैं, और प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत नेसेसरी होता है, ये तो आपको पता ही होगा, ओके। अब यहाँ पर एक और चीज मैंने आप लोगों को क्या बताई, कि हमारी बॉडी जब फंक्शन करती है तो उसको कमांड कौन देता है? ब्रेन देता है, ठीक है। लेकिन ब्रेन में भी क्या होते हैं? सेल्स होते हैं। दैट मीन अगर इनडायरेक्टली देखा जाए तो हमारी बॉडी में सारी कमांड, सारे फंक्शन, सब कुछ कौन परफॉर्म कर रहा है? अगर बेसिस पे देखा जाए तो बेसिक सेल्स परफॉर्म कर रहे हैं, और सेल्स को कमांड और सिग्नल कौन देते हैं? डीएनए देते हैं, और किसकी फॉर्म में देते हैं? कोड की फॉर्म में देते हैं, क्योंकि भाई सेल में इतने सारे सेल ऑर्गेनल है। मैंने भी क्या बताया, सेल में 4 सेल ऑर्गेनल है,
तो हर एक का अपना अलग अलग काम होगा, तो डीएनए जिनको भी सिग्नल देगा कोड की फॉर्म में तो देगा, ताकि किसी दूसरे ऑर्गेनल को ना पता चल जाए, हाँ एकदम सीक्रेट सीक्रेट रखे, देगा कि नहीं देगा, दोनों चीज याद हो गई, अभी तीसरी चीज आएगी तो बताती चली जाऊंगी, तो डोंट वरी, दोनों चीज हो गई, एक फॉर्मेशन वाली, और डीएनए क्या करता है, हर एक सेल हमारी बॉडी में 3 ट्रिलियन से भी ज्यादा सेल है बेटा, 3 ट्रिलियन, तो इन 3 ट्रिलियन सेल्स को अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली कौन यहाँ पे सिग्नल और कमांड दे रहा है, डीएनए दे रहा है, किसकी फॉर्म में दे रहा है, कोड की फॉर्म में दे रहा है। ठीक, अब यहाँ पर एक आपकी एक डेफिनेशन लिखी हुई है, सेंट्रल डॉग्मा, ठीक है, अभी आपको जस्ट विदिन अ सेकंड्स में समझ में आ जाएगा क्या लिखा है, These proteins are synthesized by DNA through the RNA. This is called central dogma, कि हमारी बॉडी में प्रोटीन बन रहा है, किसकी वजह से बन रहा है, डीएनए की वजह से, क्यों, क्योंकि डीएनए आरएनए को बना रहा है और आरएनए राइबोसोम्स को बना रहा है, राइबोसोम प्रोटीन को बना रहा है, यानी कि एक प्रोसेस हो गई ना कि डीएनए ने आरएनए बनाया, आरएनए ने राइबोसोम्स बनाए, राइबोसोम्स में प्रोटीन सिंथेसाइज किया, प्रोसेस हो गई, और जब कोई प्रोसेस परफॉर्म होती है तो उसकी कुछ ना कुछ नाम होता है, इसका नाम है सेंट्रल डॉग्मा। आया समझ में, हो गया काम, अब करना क्या था, चलिए अब आ जाइए, नेक्स्ट लिखा है एमआरएनए इज प्रोड्यूस्ड एज पर द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑन डीएनए, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये 1 मिनट में क्वेश्चन आ सकता है, पूछ सकते हैं कि हमारा जो डीएनए है, ठीक, ये तो हमारा डीएनए स्ट्रैंड हो गया, ये तो काफी लंबा स्ट्रैंड हुआ, डीएनए हमारा स्मॉलेस्ट यूनिट से बना रहता है जिसका नाम है न्यूक्लियोटाइड, ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, जैसे अभी मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द बेसिक एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, योर आंसर विल बी सेल, सेल आंसर हो गया ना, लेकिन अभी मैं यहां पूछ लूं व्हाट इज द बेसिक एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए, इट विल बी न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस होते हैं, सपोज करो ये एक सीक्वेंस, फिर यहाँ से दूसरा सीक्वेंस, फिर यहाँ से तीसरा आ जाएगा, फिर चौथा आ जाएगा, बहुत सारे सीक्वेंस लगे रहेंगे, तो इसी सीक्वेंस के बेसिस पर हम लोगों का जो एम आर एन ए है वो प्रोड्यूस्ड होते हैं। एक चीज मैं बता देती हूँ, हमारी बॉडी में जो आर एन ए है वो 3 तरीके के होते हैं, एक होता है यहाँ पर आर आर एन ए, दूसरा होता है यहाँ पर हम लोगों का एम आर एन ए, और चौथा होता है हम लोगों का यहाँ पर टी आर एन ए। ठीक है, फुल फॉर्म बता देती हूँ, इस वाले स्मॉल आर की जो फुल फॉर्म है वो है राइबोसोम, राइबोसोम, इस वाले एम की जो फुल फॉर्म है वो है मैसेज, मैसेंजर, मैसेज कुछ भी लिख दो, और इस वाले जो टी की फुल फॉर्म है वो है यहाँ पर ट्रांसफर। ठीक है, समझ में आ गया, आरएनए की फुल फॉर्म सभी को पता है ना, राइबोन्यूक्लिक एसिड, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर ये वाला जो आर आरएनए है ये तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ऐसे राइबोसोम, ऐसे आरएनए जो राइबोसोम्स का प्रोड्यूस करते हैं, राइट, ऐसे आरएनए जो राइबोसोम्स को प्रोड्यूस करते हैं उन्हें हम बोलते हैं यहाँ पर आरएनए। ये तो खत्म, इसका तो मुझे कुछ नहीं बताना, ऑलरेडी समझ आ दिया है, बचे आप लोगों के दो, एमआरएनए और टीआरएनए, और इन दोनों के ही सबसे ज्यादा काम है, क्योंकि और यही को हम लोगों को समझना भी पड़ेगा, आर से तो राइबोसोम, राइबोसोम से प्रोटीन बना दिया, वही चीज खत्म हो गई, इतना ज्यादा समझने की चीज नहीं है, मेन क्या है, एमआरएनए या टीआरएनए, एम का मतलब मैसेंजर, टी का मतलब ट्रांसफर। चलिए अब आ जाते हैं, तो इसमें ये बोला गया है ना कि हमारी बॉडी में जो एम आर एन ए है कि किसके अकॉर्डिंग प्रोड्यूस्ड होते हैं, हमारी डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, और लिखा भी हुआ है ओनली वन ऑफ द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए यूज्ड इन दिस प्रोसेस। ध्यान रखिएगा कि जो हम लोगों के डीएनए क्या होता है, ये डबल स्ट्रैंड होता है, एक सेकेंड, हम लोगों का डीएनए क्या है बेटा, डबल स्ट्रैंड होता है। ठीक है, डबल स्ट्रैंड मतलब एक न्यूक्लियोटाइड इधर भी, एक न्यूक्लियोटाइड इधर भी, एक न्यूक्लियोटाइड इधर भी, इधर एक न्यूक्लियोटाइड होगा कि नहीं होगा, न्यूक्लियोटाइड्स होंगे हमारे, तो यहाँ पर जब हमारे न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस एमआरएनए को प्रोड्यूस करते हैं तो ध्यान रखिएगा उसमें सिर्फ एक ही स्ट्रैंड, यानी कि जो एक स्ट्रैंड है ना न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस, सिर्फ वही यूज होता है एमआरएनए को प्रोड्यूस करने के लिए, दोनों स्ट्रैंड यूज नहीं होते। अब ये डिपेंड करता है कि भाई इस वाले स्ट्रैंड से एमआरएनए प्रोड्यूस हो रहे हैं या इस वाले से हो रहे हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, वो डीएनए का काम हो गया। ठीक, इतना समझ में आ गया। देखिए, अब देखिए आप लोगों को आरएनए का और डीएनए का स्ट्रक्चर तो पता ही है ना, डीएनए का मैं एक और बार बता देती हूँ, देखो डबल स्ट्रैंड होता है और उसमें 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं, साइटोसाइन, ग्वेनाइन, थायमीन, एडेनाइन। एडेनाइन हमेशा थायमीन के साथ पेयरिंग करता है, ये देखो इस तरीके से, और ग्वेनाइन साइटोसाइन के साथ पेयरिंग करता है इस तरीके से। ठीक है, और ये जो इसकी बैकबोन होती है
दिस वन, इसे हम लोग बोलते हैं शुगर फेस फॉस्फेट बैकबोन। शुगर और फॉस्फोरस की बनी होती है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं शुगर फॉस्फेट बैकबोन। और ये बेस पेयर होते हैं या नाइट्रोजन बेस पेयर। आरएनए की बात करें तो आरएनए में क्या है, एडेनाइन गुआनिन साइटोसिन होते हैं, थायमिन की जगह यूरेसिल होता है नाइट्रोजन बेस, और इसकी जो बैकबोन होती है दिस वन, ये किसकी होती है, ये भी शुगर फॉस्फेट बैकबोन होती है। स्ट्रक्चर याद रखना है, कभी कभी पूछ लेते हैं। अब देखिए हम लोग अपनी पहली डेफिनेशन पे आ जाते हैं, जो कि थी हम लोगों की ट्रांसक्रिप्शन। दिस प्रोसेस ऑफ आरएनए सिंथेसाइज इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता दी कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि डीएनए सबसे पहले किसकी फॉर्मेशन करते हैं, आरएनए की फॉर्मेशन करते हैं, सिंगल स्ट्रैंड की फॉर्मेशन करते हैं, इसी को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अब मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया, आप लोगों को डाउट हो ही नहीं सकता इस चीज में रिलेटेड, दैट व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। पहले ही बता दिया कि डीएनए डबल स्ट्रैंड से एक सिंगल स्ट्रैंड की फॉर्मेशन कर रहा है, जिसे हम बोल रहे हैं आरएनए, और इसी को हम लोग किस प्रोसेस में, इसी प्रोसेस को हम लोगों ने क्या नाम दे दिया बेटा, इस प्रोसेस को हमने नाम दे दिया ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे इस तरीके से ये डीएनए आ रहा था ना, इस तरीके से। अब ये डीएनए क्या हो गया, बिल्कुल सिंगल स्ट्रैंड में डिवाइड हो गया, तो इसको हम लोगों ने क्या बोला, ट्रांसक्रिप्शन ही तो बोला, बोला कि नहीं बोला। और यहाँ पर एम आर एन ए फॉर्म पे न्यूक्लियस कम्स इन साइटोप्लाज्म। यहाँ पर डीएनए ने दो काम किए, डीएनए ने काम क्या किया, एक तो आरएनए की फॉर्मेशन करी, ठीक है, आरएनए के साथ साथ इसने एम आरएनए की भी फॉर्मेशन करी, दो चीज की फॉर्मेशन हुई यहाँ इससे। डीएनए ने एक तो आरएनए की फॉर्मेशन करी और इसके साथ एम आरएनए की भी फॉर्मेशन करी न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, तो आरएनए की फॉर्मेशन तो हो गई, इसको बोला ट्रांसक्रिप्शन। और जो एम आर एन ए की फॉर्मेशन हुई, ये एम आर एन ए ये हमारे न्यूक्लियस से बाहर निकल के कौन से पार्ट में आ जाते हैं, सेल के साइटोप्लाज्म में। ठीक है, अब देखिए मैंने अभी आप लोगों को बेटा एम आर एन ए ये लिखवाया, मैंने एम की फुल फॉर्म क्या बताई आप लोगों को, मैसेंजर बताई कि नहीं बताई, मैसेंजर बताई ना मैंने, ये बताई। और मैंने आप लोगों को एक चीज और बताई कि डीएनए हमारे हर एक सेल ऑर्गेनल को एक कोड भेजता है, यानी कि अपना मैसेज भेजता है, उसका कमांड भेजता है, उसको सिग्नल भेजता है, किसकी फॉर्म में भेजता है, कोड की फॉर्म में भेजता है। अब एक बात बताओ, डीएनए जो भी अपना मैसेज कोड की फॉर्म में भेजेगा हर एक सेल ऑर्गेनल को, कोई तो लेके जाएगा, कौन लेके जाता है, मैसेंजर, राइट। अब व्हाट्सएप यूज करते हो, फेसबुक यूज करते हो, टेलीग्राम यूज करते हो, बहुत सारी चीजें हैं, क्या बोलते हो, मैसेंजर है, यानी कि हमारे मैसेज को कोई दूसरा, किसी दूसरे के पास ट्रांसफर करना, कोई एक मीडिएटर करता है ना, उसे तो मैसेंजर कहते हैं। तो यहाँ पर भी तो यही हुआ कि भाई डीएनए ने हर एक सेल ऑर्गेनल के लिए एक मैसेज दिया, एक सिग्नल दिया कोड की फॉर्म में, तो उस कोड को हर एक सेल ऑर्गेनल के पास लेके जाना कोई मैसेंजर ही तो करेगा, वो होता है एमआरएनए। अब समझ में आया एमआरएनए क्या कर रहा है, कि डीएनए ने जितने भी कोड्स रिलीज किए उनको कैरी करके ले जा रहा है। एंड द मैसेज कंटेन्स द कोड्स फॉर अमीनो एसिड्स। यहाँ पर ये जो कोड्स हैं जो कि एमआरएनए कैरी कर रहा है, ये किसके लिए होते हैं, अमीनो एसिड्स के लिए होते हैं जो कि हमारे सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। और ध्यान रखिएगा ये जो कोड जाते हैं ना, ये ट्रिपल में जाते हैं एक साथ तीन, इसीलिए हम लोग इसको ट्रिपलेट कोडॉन भी कहते हैं, यानी कि एमआरएनए, एक एमआरएनए कितने कोड्स को कैरी करता है, तीन कोड्स को कैरी करता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रिपलेट कोडॉन, गॉट इट। यहाँ पे हम लोगों के एक साइंटिस्ट हैं डॉक्टर हरगोविंद खुराना, इन्होंने ट्रिपलेट कोडॉन्स, हम लोगों के यहाँ पर क्या है, 20 ट्रिपलेट कोडॉन्स अमीनो एसिड्स के लिए डिस्कवर किए थे। ध्यान रखना हमारी बॉडी में, ठीक है, कितने कोडॉन्स, मतलब कितने अमीनो एसिड्स के लिए जाते हैं, हमारे जो ट्रिपलेट कोडॉन्स हैं, यानी कि हर एक एमआरएनए तीन कोड को एक साथ लिख के जाता है, जिसलिए हम लोग बोलते हैं ट्रिपलेट कोडॉन, कितने अमीनो एसिड के लिए लेके जाता है, 20, यानी कि हमारी बॉडी में कितने तरीके के अमीनो एसिड्स होते हैं, 20 तरीके के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसलिए उनको एक नोबेल प्राइज भी मिला था 1968 में, और उनके साथ दो अदर साइंटिस्ट थे उनको भी मिला था। ठीक, इसीलिए ईच एमआरएनए इज मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन। अब देखिए यहाँ पे एमआरएनए कोई एक तो होता नहीं है, बहुत सारे होते हैं, ठीक, और हर एक एमआरएनए बहुत सारे ट्रिपलेट
ट्रिपलेट कोडॉन्स, बिकॉज थाउजेंड्स ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन्स को कैरी करता है। ओके अब यहाँ आगे देखिए, एज पर द मैसेज ऑन एमआरएनए अमीनो एसिड्स आर सप्लाइड बाय द टीआरएनए। अब यहाँ पे देखिए आओ, टी मतलब ट्रांसफर, जैसे कि एमआरएनए मैसेज लेके आया किसके पास, लेके आया अमीनो एसिड्स के पास लेके आया, ठीक है लेके आया। अब ये अमीनो एसिड्स को भेज कौन रहा है, टीआरएनए भेज रहा है। ये चीज भी ध्यान रखनी है, क्वेश्चन क्या पूछेंगे कि एक्चुअली में हमारी बॉडी में हमारे सेल के अंदर ही अमीनो एसिड्स कहाँ से आ रहे हैं, कौन भेज रहा है, टीआरएनए। टी मतलब ट्रांसफर, राइबोसोम, न्यूक्लिक एसिड, ये समझ में आया। अभी ना ये चीज समझ में आ जाएगी, सो डोंट वरी। देखो एक बात बताइए, जब हमारे कंप्यूटर में वायरस घुस जाता है, ठीक है, तो उस वायरस को रिमूव करने के लिए हम लोग एंटीवायरस का यूज करते हैं, करते नहीं करते। एंटीवायरस का काम क्या होता है, एंटीवायरस का काम होता है कि हमारे लैपटॉप में कौन सा वायरस घुसा है, वो हमारे लैपटॉप में या फोन में क्या नुकसान कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, सारी इंफॉर्मेशन निकालना, फिर उसके ऊपर अपने बाण चलाना, कुछ ऐसे ही होता है ना। तो टी आर एन ए वी का समझ लो, अब टी की फुल फॉर्म क्या बताई मैंने, ट्रांसफर बताई, टी की मैंने फुल फॉर्म बताई यहाँ पर, ट्रांसफर या फिर ट्रांसलेशन, ट्रांसफर बोल लो या ट्रांसलेशन बोल लो, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब यहाँ पर हुआ क्या, एम आर एन ए मैसेज लेके आया, किसको लेके आया, अमीनो एसिड को लेके आया, अमीनो एसिड्स को, अमीनो एसिड्स को किसने भेजा है, टी आर एन ए भेजा है। अब क्यों भेजा है ये समझ लो, टी आर एन ए के पास होता है एंटी कोडॉन, एंटी कोडॉन, यानी कि एम आर एन ए लेके आ रहा है कोडॉन, मैसेज लेके आ रहा है, टी आर एन ए के पास होता है एंटी कोडॉन, यानी कि डीएनए ने जो अपना मैसेज भेजा है वो कोड की फॉर्म में भेजा है, कोड की फॉर्म में भेजा है। सपोज करो कि इस वाले ऑर्गेनल के पास भेजा है, अब इस ऑर्गेनल के पास आया कोड में, कोड में मैसेज तो आ गया, लेकिन ये समझ नहीं पा रहा, नहीं समझ पा रहा भाई, कोड लैंग्वेज है, हर कोई नहीं समझ पाता, इसीलिए टीआरएनए के पास होते हैं एंटी कोडॉन। वो क्या करता है, इस कोडॉन मैसेज को बड़ी ही सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, और ये कोड फिर इस ऑर्गेनल को बड़ी अच्छी तरीके से क्या है, समझ में आ जाता है। भाई टी का मतलब है ट्रांसलेशन, टी का मतलब ट्रांसलेशन। आपको किसी चीज, कोई वर्ड समझ में नहीं आता, कोई लैंग्वेज समझ में नहीं आती, आप गूगल ट्रांसलेशन यूज करते हो, अरे भाई इसका मतलब पता लगा और ट्रांसलेट करो, हमें नहीं आ रहा समझ में। तो ये टीआरएनए ने क्या किया, टीआरएनए ने उस कोड लैंग्वेज को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक, टी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और फिर इस ऑर्गेनल को उसका मैसेज समझ में आ गया। सो टीआरएनए हैज कन्वर्ट द कोड मैसेज इनटू अ सिंपलेस्ट फॉर्म, इट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। एंड द अमीनो एसिड्स ब्रॉट इन बाय टीआरएनए आर बॉन्डेड टुगेदर पेप्टाइड मैप विद द हेल्प ऑफ आरएनए। अब यहां पर क्या है, जैसे हम लोगों का जो टीआरएनए है ये बहुत सारे अमीनो एसिड्स को लेके आता है, तो ये जितने भी अमीनो एसिड्स हैं, 20 हैं चाहे 15 हैं चाहे 10 हैं, वो कौन से बॉन्ड से एक दूसरे से अटैच होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से, किससे, पेप्टाइड बॉन्ड से, और इसमें कहीं ना कहीं हम लोगों के प्रोटीन भी हेल्प करते हैं, आरएनए मतलब राइबोसोम्स, समझ में आया। अब यहाँ पर आता है ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन में क्या हुआ, द राइबोसोम्स कीप्स ऑन मूविंग फ्रॉम एंड ऑफ एमआरएनए टू अदर एंड बाय द डिस्टेंस ऑफ वन ट्रिपलेट कोडॉन। यहाँ पर क्या होता है बच्चा, यहाँ पर क्या हो रहा है कि राइबोसोम्स हैं, आरएनए राइबोसोम्स वाले होते हैं ये हम लोगों के, एक सेकेंड, हाँ जैसे कि हम लोगों का एमआरएनए है, ठीक है, ये ऐसे 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 जा रहा है, तो एमआरएनए के साथ जो आरआरएनए है ना वो भी इसके साथ मूव करता है, प्रोटीन, प्रोटीन है ना, जहां तक कोड पहुंच नहीं जाता, एमआरएनए कोड को कैरी कर रहा है ना, वहां तक उसके साथ आरआरएनए भी कैरी करता है, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलोकेशन, ठीक है। और इस तरीके से हम लोगों के जो राइबोसोम्स हैं, यानी कि जो प्रोटीन है, बहुत सारे प्रोटीन की एक चेन बन जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी में ना प्रोटीन बहुत सारी चीजों को कंट्रोल करता है। कहते हैं ना कि हमारी बॉडी में अगर प्रोटीन नहीं है तो हमें दिक्कत होगी, बहुत सारी चीजें हैं जहां पर हमारी ग्रोथ नहीं होगी, इसीलिए प्रोटीन बहुत जरूरी होता है।
चाहे कोई भी हमारी बॉडी में प्रोसेस हो रही है, चाहे एमआरएनए की प्रोसेस हो रही है, चाहे टीआरएनए की प्रोसेस हो रही है, चाहे कोई भी प्रोसेस हो रही है, एमआरएनए उसमें इन्वॉल्व रहेगा, एक अपनी प्रोटीन की कॉम्प्लेक्स चेन बना लेगा, बिकॉज इट परफॉर्म्स अ वेरियस फंक्शन इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। गॉट इट? यहाँ पे देखिए, आप लोग देख भी सकते हैं या दिखाया भी हुआ है, ये देखिए ये एमआरएनए है जो कि कोडॉन को लेके कैरी कर रहा है, यहाँ पर इसके साथ राइबोसोम्स भी कैरी कर रहे हैं। फिर इसके बाद टीआरएनए आता है जो यहाँ पे कोड है उसको सिंपलेस्ट लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए, और इसके पास एक अमीनो एसिड्स की भी प्रेजेंस होती है। ये पूरा डायग्राम है, हो सकता है आपसे एग्जाम में वगैरह में पूछ लीजिए, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट हम लोगों का आता है यहाँ पर म्यूटेशन। हम लोगों ने म्यूटेशनल थ्योरी फ्रॉम ह्यूगो डुवेरिस अभी स्टार्टिंग में देखी थी। देखिए म्यूटेशन होता क्या है, अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया था, स्टार्टिंग में ही बता दिया मैंने ये तो। व्हाट इज म्यूटेशन? म्यूटेशन इज द चेंज इन द बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स। होता क्या है यहाँ पर कि मैंने क्या बोला कि हम लोगों के पेरेंट्स के जो बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं वो हमारे जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सेम एज इट इज ट्रांसफर हो। मैंने भी क्या एग्जाम्पल दिया, किसी के फादर उनका स्किन का कलर थोड़ा सा ब्राउन है, ठीक है, इतना कलर साफ नहीं है, लेकिन उनके जब बच्चे हुए तो बड़े कलर साफ हुए, यानी कि उनके जीन में कुछ तो बदलाव हुआ ना, कुछ तो चेंजेस आए जीन के प्रोटीन में, कुछ तो चेंजेस आए जिसकी वजह से जो बेबी है उनका बड़े गोरा सा पैदा हुआ। इट इज कॉल्ड म्यूटेशन। आप सिंपल लिख सकते हो द माइनर चेंज, मेजर नहीं कहेंगे, द माइनर चेंज अकर इन द जीन, इट इज कॉल्ड म्यूटेशन। डेफिनेशन आती है इसका, ज्यादा लिखने के लिए नहीं आता, दो या तीन मार्क्स की डेफिनेशन आती है, तो डेफिनेशन आप लोगों के लिए इनफ है। यहाँ पे आप देख भी सकते हो, जैसे कि हम लोगों का यहाँ पर आप देखो थायमीन एडेनाइन एडेनाइन साइटोसाइन थायमीन गुआनाइन साइटोसाइन एडेनाइन, सपोज करो ये सीक्वेंस है जीन के अंदर, ये सीक्वेंस होना चाहिए, लेकिन हुआ क्या, यहाँ पे देखो ये गुआनाइन है, गुआनाइन के बाद साइटोसाइन आना चाहिए था ना, ठीक है, उसके बाद थायमीन, आई मीन गुआनाइन के बाद देखो साइटोसाइन और अमीन एडेनाइन आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर गुआनाइन के बाद एडेनाइन, उसके बाद थायमीन, उसके बाद एडेनाइन आ गया, सीक्वेंस ये होना चाहिए था लेकिन वो आ ही गया, इट इज कॉल्ड म्यूटेशन। और म्यूटेशन से हम लोगों की बॉडी में काफी सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी हो जाते हैं, जैसे सिकल सेल एनीमिया हो गया, बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि हम लोगों की हो जाती है। नेक्स्ट आता है हम लोगों का इवोल्यूशन। चलिए हम लोगों का इवोल्यूशन पे पहुंच गए। इवोल्यूशन क्या है? हमारी जो चेंजेस होते हैं किसी भी लॉन्ग ऑर्गेनिज्म में लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद, ये इंटरनल चेंजेस नहीं है, ध्यान रखना, ये है एक्सटर्नल चेंजेस। इवोल्यूशन क्या है? हम किसी जगह पे रहते हैं, ठीक है, धीरे धीरे हमारा एनवायरमेंट बदल रहा है, हमारी टेक्नोलॉजी आती जा रही है, बहुत सारी चीजों में बदलाव आता जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमें अपने आप को भी बदलना पड़ रहा है। जैसे अभी कोविड आया, हमें पता है हम स्कूल नहीं जा सकते, तो क्या हुआ, ऑनलाइन भी कन्वर्ट हो गई, स्टडी ऑनलाइन स्टडी आ चुकी है, और आज के जमाने में ऑनलाइन स्टडी ज्यादा चल रही है। अगर जो बच्चा कहे भाई मैं ऑनलाइन नहीं पढ़ूंगा, मैं तो ऑफलाइन ही जाऊंगा, क्या वो पढ़ पाएगा कभी, उसकी स्टडी कंप्लीट हो जाएगी, कंप्लीट हो पाएगी? मुझे तो नहीं लगता हो पाएगी। यानी कि जब हम अपने एनवायरमेंट में, एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को बदलाव लाते हैं, अपने अंदर चेंजेस करते हैं, ठीक है, और ये चेंजेस कोई ऐसा नहीं है कि विद इन अ सेकंड्स विद इन अ मिनट्स में आता है, लॉन्ग ड्यूरेशन में आता है, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 50 साल, कितना भी टाइम लग सकता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन बोलते हैं। स्लो गोइंग प्रोसेस है, बताई दिया, 6 महीने, 1 साल, 50 साल, 10 साल, स्लो गोइंग प्रोसेस होती है। और यहाँ पर हमारे अर्थ पर ना जितनी भी चीजें हैं, हर एक चीज इवॉल्व होती है, हर एक चीज में इवोल्यूशन होता है, हम ये नहीं कह सकते कि इसमें नहीं है कि इसमें नहीं है। ये आपकी डेफिनेशन लिखी है, हो सकता है 2 मार्क्स में आपकी डेफिनेशन पूछ ले। द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज ड्यू टू चेंजेस इन स्पेसिफिक कैरेक्टर्स ऑफ सेवरल जनरेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एज अ रिस्पॉन्स टू नेचुरल सिलेक्शन इज कॉल्ड इवोल्यूशन। यानी कि जब बहुत लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन तक हम लोग अपनी बॉडी के कैरेक्टर्स में चेंजेस करते रहते हैं, ठीक है, और बहुत सारी उसकी जनरेशन न्यू न्यू चेंजेस के साथ प्रोड्यूस्ड होती है, क्योंकि हमारे नेचर में चेंजेस हो रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इवोल्यूशन बोलेंगे। आज से हम लोग 3.5 बिलियन ईयर्स की पहले बात करें तो हमारे अर्थ पर क्या है, कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे। क्या थे यहाँ पर? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे।
इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने, ऑर्गेनिक कंपाउंड से सेल की फॉर्मेशन हुई, सेल से फिर हम लोग के यूनिसेलुलर आए, यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर आए, मल्टीसेलुलर से छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म बने, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म से थोड़े मिडिल क्लास ऑर्गेनिज्म बने, मीडियम ऑर्गेनिज्म से आज आप देख लो वेल, सबसे बड़ी एनिमल हम लोगों की वेल मानी जाती है। आपने देखा यानी कि कितना इवोल्यूशन हुआ, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से वेल तक हमारा इवोल्यूशन पहुंच गया, कितना इवोल्यूशन हो गई। अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ज्यादातर हम लोगों के प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, और इन्हीं प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड्स की वजह से आज हम लोग देख सकते हैं कि वेल क्या है हम लोगों की, इतनी बड़ी एनिमल कही जाती है हमारे पूरे अर्थ की, कहते हैं कि नहीं कहते हैं। तो ऐसे इसी तरीके से है, ये देखिए ये पूरी सारी चीजें हैं, मुझे इतना बताने की जरूरत नहीं है, ये सारे एग्जाम्पल है। जैसे कि हम लोग बात करें यूनिसेलुलर में अमीबा है, उसके बाद पैरामीशियम है, जाइंट वेल है, तो ये चीज वही बताई गई है कि किस तरीके से हम लोगों के इवोल्यूशन डे बाय डे होते रहते हैं। ओके, इतना मुझे बताने की जरूरत नहीं है। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की बात करें तो ये आप लोगों का पार्ट नहीं है बेटा, एविडेंसेस मेन आप लोगों का क्या आ जाता है, आप लोगों का एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन आ जाती है। काफी सारे एविडेंसेस हैं। देखिए इवोल्यूशन हम बोल तो देते हैं और हम कहते हैं कि हो भी रहा है, लेकिन किसी चीज को बताने के लिए हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि हमारे पास कोई प्रूफ तो होना चाहिए ना, उसी प्रूफ के बेसिस पर हम बता पाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बहुत सारे एविडेंसेस हैं, उसी एविडेंसेस के बेसिस पर हम बता पाते हैं। सबसे पहले आते हैं मॉर्फोलॉजिकल। मॉर्फोलॉजिकल का मतलब ही होता है यहाँ पर फिजिकल। मॉर्फोलॉजिकल का मतलब ही क्या होता है यहाँ पर, फिजिकल होता है। यानी कि अगर हम किसी में, यानी कि अगर हम बता रहे हैं कि इसमें ये बदलाव हुआ है, तो उसके एक्सटर्नल या फिजिकल स्ट्रक्चर को देख के, ठीक है। अब एक बात बताओ, माउथ का स्ट्रक्चर, पोजीशन ऑफ आईज, स्ट्रक्चर ऑफ नॉस्ट्रल्स, ईयर पिन, ज्यादा सबका सेम है ना, राइट। अगर हम लोग ज्यादातर एनिमल्स की बात करें, सबका सेम होता है, होता है कि नहीं होता, तो हम क्या कर देंगे, हम क्या कहेंगे कि ये सेम एंसेस्टर से बिलोंग हुए हैं, ठीक है। मैं अभी यहाँ पर बात करूँ आप लोगों से लाइन की, और मैं यहाँ पर बात करूँ टाइगर की, ठीक है। अगर आप उनके माउथ, आईज की पोजीशन, नॉस्ट्रल या ईयर पिन ना देखो, बहुत हद तक सेम लगेंगे लगेंगे, लेकिन आप क्या ये कहोगे कि लाइन और टाइगर हम लोगों के एक ही एंसेस्टर से प्रोड्यूस्ड हुए हैं, कभी नहीं कहोगे, नहीं कहोगे ना, और हुए भी नहीं है। तो किसी के एक्सटर्नल बेसिस पर हम के सेम एंसेस्टर्स कहें, दैट्स नॉट गुड। दैट्स वाई ये जो एविडेंसेस है ना, ये फेल्ड है। ये कैसे एविडेंस है, ये फील्ड एविडेंस है, क्योंकि एक्सटर्नल फीचर्स के बेसिस पर हम कभी भी किसी के एंसेस्टर्स को सेम नहीं कह सकते हैं। भाई यहाँ पर आप देख लो, यहाँ देखो ये डॉग है, ये शीप है, ये वॉल्फ है, आप ये कहोगे सेम एंसेस्टर से, मैं तो कभी ना कहूँ कि सेम एंसेस्टर से। ये आम है, ये क्या है समझ में नहीं आ रहा भाई, ये अमरूद है, ये समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं, जामुन, जामुन, सॉरी जामुन है ये, हाँ। तो अभी आप ये कहोगे इन प्लांट्स के एंसेस्टर सेम है, कभी भी नहीं है भाई। फिजिकल स्ट्रक्चर तो बहुत सारे किसी का भी सेम हो सकता है, दैट डजंट मीन कि वो दोनों के सेम। दूसरे आते हैं एनाटॉमिकल एविडेंसेस। एनाटॉमिकल एविडेंसेस में हम लोगों के आ जाते हैं यहाँ पर, यहाँ के दोज स्ट्रक्चर्स इज डिफरेंट इन रिस्पेक्टिव एनिमल्स। यानी कि स्ट्रक्चर सेम हो लेकिन उसका यूज डिफरेंट हो। एनाटॉमिकल एविडेंसेस कौन से होते हैं कि किसी भी एनिमल्स के जो बॉडी स्ट्रक्चर्स हैं वो तो सेम हो बिल्कुल थोड़े से, लेकिन उनके फंक्शंस अलग अलग हो, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, तो हम कह सकते हैं कि वो कॉमन एंसेस्टर से बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पर देख लो, जिस किसी भी एनिमल्स के जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो सेम है, क्यों सेम है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सेम एंसेस्टर से बिलोंग हो क्या है। अब उनके फंक्शन अलग है तो वो बात अलग है, क्योंकि हर कोई अपने अलग अलग एनवायरमेंट में रहता है, राइट। हर कोई अपना अलग अलग एनवायरमेंट में रहता है और उसी एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने फंक्शंस और यूजेस को परफॉर्म करने लगता है। तो अगर किसी के बॉडी के स्ट्रक्चर सेम है लेकिन यूज अलग अलग है, तो हम कह सकते हैं कि वो कॉमन एंसेस्टर से बिलोंग करते हैं। जैसे कि ह्यूमन हैंड है, फोर लेग ऑफ फॉक्स है, पेटागेम ऑफ बैट है, फ्लिपर है, सबके ज्यादा सेम स्ट्रक्चर है लेकिन परफॉर्म सारे फंक्शन अलग अलग करते हैं। एक है यहाँ पर वेस्टिजियल ऑर्गन्स, इनको हम लोग वेस्ट भी बोलते हैं, वेस्ट ऑर्गन भी कह सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हैं, बहुत सारे तो नहीं, कुछ ऑर्गन्स हैं जो हम लोगों के बिल्कुल यूजलेस हैं,
इसका बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पर अपेंडिक्स आ जाता है। अपेंडिक्स हो गया, हमारी बॉडी के हेयर्स हो गए, नेल्स हो गए, दे आर वेस्ट इन आर बॉडी, नथिंग स्पेशल है। अब ये बात वो बात अलग है कि नेल्स हेयर ये सब हम लोगों के ब्यूटी का पार्ट बन गया है, लेकिन इसके अलावा इसके हमारी बॉडी में कोई यूज नहीं है। एक्चुअली होता क्या है, हम लोग जैसे हम लोग बात करें ह्यूमंस का एग्जाम्पल ले लेती हूँ, हम लोग ऐप कहा जाता है कि हम लोग ऐप से डेवलप्ड होके आए हैं। ऑब्वियसली बात है हम लोग ऐप से डेवलप्ड होके आए हैं। अब यहाँ पर क्या आते हैं, ऐप एकदम बंदर की तरह रहते, एकदम रहना खाना पीना, लेकिन हम धीरे 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 इवॉल्व होते गए और आज के टाइमिंग पर ह्यूमंस में कन्वर्ट हो गए। तो ऐप पहले क्या खाते थे, ग्रास खाते थे, इधर ऐसे घूमते रहते थे, तो उनकी बॉडी पर हेयर्स पे रहते थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। वो लोग ग्रास खाते थे, ग्रास को डाइजेस्ट करने के लिए एक स्पेशल ऑर्गन की जरूरत पड़ती है जिसका नाम है अपेंडिक्स। अब क्या है, हम लोग कपड़े पहनते हैं, हेयर्स की जरूरत नहीं है प्रोटेक्शन के लिए। अब क्या है, हम लोग ग्रास नहीं खाते तो अपेंडिक्स की जरूरत नहीं है। तो ये क्या है, ये हमारी बॉडी में वेस्ट हो क्योंकि इनका कोई यूज नहीं है अब। और जब हमारी बॉडी में किसी भी ऑर्गन का यूज नहीं होता है, पहले था लेकिन अब नहीं है, तो वो हमारे किस में काउंट होते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन्स में काउंट होते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी की टेल बोन होती है, भाई पहले टेल हुआ करती थी, उनको जरूरत थी लेकिन हमें नहीं है। विजडम टीथ है खाने के लिए, हम तो नहीं खाते ना मांस वास इतना। बॉडी हेयर्स की बात हुई, देखिए ये सब हम लोगों के किस में आ जाते हैं, ये वेस्ट ऑर्गन में आ जाते हैं, क्योंकि जब हम लोग पहले एप या चिंपैंजी थे तब हमारी इन सारी चीजों की जरूरत थी, लेकिन जब हमने अपना रहना खाना पीना सब कुछ बदल दिया एनवायरमेंट, तो क्यों जरूरत पड़ेगी, है ना। एक होते हैं हम लोगों के पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस मतलब बोले तो फॉसिल्स, ठीक है। देखिए पहले के टाइमिंग पर क्या हुआ था, हम लोगों के अर्थ में बहुत सारे चेंजेस हुए, फ्लड आए, डिजास्टर आए, वोल्केनो आए, तो उस टाइमिंग पर क्या हो गए, बहुत सारे जो एनिमल्स थे वो नीचे दब गए, ठीक, और किस में कन्वर्ट हो गए, फॉसिल्स में कन्वर्ट हो गए। इन फॉसिल्स को निकाला भी जाता है, साइंटिस्ट निकालते हैं, ठीक है, उनकी एज पता करते हैं, नई डिस्कवरी चैनल देखा करो, वाइल्ड चैनल देखा करो, जहाँ पता चलेगा कौन सा फॉसिल कब हुआ कौन सा नहीं हुआ, उनकी एज वगैरह बताते हैं, ये सारी चीजें पता चलती हैं हम लोगों की। उससे हमें कहीं ना कहीं पता चलता है कि उस टाइमिंग पर वो एनिमल प्रेजेंट थे, इस तरीके से रहते थे, ये इनका साइज था, वो स्ट्रक्चर था, ठीक। और आज के टाइमिंग पर क्या उन फॉसिल्स की तरह कोई अदर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, नहीं है, अगर है तो वो उस एंसेस्टर से बिलोंग करता है, नहीं इवॉल्व होके आया है, नहीं है तो कोई इवोल्यूशन ही नहीं है, ये पैलेंटोलॉजिकल हो गया। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, फॉसिल्स की एज पता करने के लिए कार्बन 14 का यूज करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बन डेटिंग मेथड। कौन सा मेथड, कार्बन डेटिंग मेथड। एक्चुअली क्या करते हैं, जैसे ये फॉसिल है और हमारे पास कार्बन 14 है जो कि एक रेडियो एक्टिव मेटल है। कैसा मेटल है, एक रेडियो एक्टिव मेटल है, इसके अंदर से अल्फा और बीटा रेज निकलती हैं जो इस फॉसिल्स पर डाली जाती हैं, ठीक है। एक मीटर लगा रहता है इस तरीके से, वो उसकी जो निडल ऐसे ऐसे फ्लक्चुएट होती है, ठीक है, और जहां पर रुक जाती है वहीं पर उससे इसकी क्या है, जो इसकी एज है वो पता चल जाती है, और हम पता लगा सकते हैं कि ये फॉसिल्स आज से कितने साल पहले था। करेक्ट नहीं, लेकिन अप्रोक्स में तो पहुंच ही जाते हैं। करेक्ट तो इतना भी नहीं बता सकते कि इस डेट को इस वक्त इसका जन्म हुआ, वो तो पॉसिबल है नहीं, तो अप्रोक्स पता लगाते थे कि 100 साल पुराना है, 200 साल पुराना। फिर हम और भी हमारे अदर एनिमल्स प्रेजेंट हैं उससे उसका कंपैरिजन करते हैं, क्या इसका बॉडी स्ट्रक्चर इसके जैसा था नहीं था, या फिर वहां पर उससे कोई एनिमल बचा हुआ है, क्या इसके एंसेस्टर से है, वो सारी चीजें पता लगाते हैं। मिल जाता है तो ठीक है, इवोल्यूशन हो क्या है, नहीं मिलता तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो पता ही नहीं होता, ये चीज होती है। एक हमारे आते हैं कनेक्टिंग लिंक। कनेक्टिंग लिंक में क्या है, हम लोगों के ना काफी सारे ऐसे एनिमल्स हैं, ठीक, जो कहीं ना कहीं दो एनिमल्स के कैरेक्टर्स अपनी बॉडी में रिलेटेड होते हैं। जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर डक बिल प्लैटिपस की, यहाँ पर ना एक एग्जांपल होगा मैं बताती हूँ। देखो जैसे हम लोग बात करें पेरीपेटस की, डक बिल प्लैटिपस की बात करें, यहाँ पर ये एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा की कनेक्टिंग लिंक कही जाती है। एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है कि एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा की कनेक्टिंग लिंक क्या है, वो है पेरीपेटस। पता है क्यों, एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा दोनों के एनिमल्स ट्रैकिया से रेस्पिरेशन करते हैं, दोनों में ही सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, और ये दोनों चीजें क्या है, पेरीपेटस में है। हम लोग यहाँ आर्थ्रोपोडा की बात करें तो आर्थ्रोपोडा में क्या है, ट्रैकियल रेस्पिरेशन होता है और सर्कुलेटरी सिस्टम। यहीं पर हम लोग बात करें यहाँ पे एनिलिडा की,
सेम चीज यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर पेरिपेटस में ट्रेकिल रेस्पिरेशन भी कर रहा है और सर्कुलेटरी सिस्टम भी कर रहा है, तो यानी कि ये क्या है, ये कनेक्टिंग लिंक ही तो हुआ एनाडा और आर्थ्रोपोडा की। यही हम डक भी प्लेटिपस की बात करें, ये एग प्रोड्यूस करता है रेप्टाइल्स की तरह और इसके पास मेमरी ग्लैंड भी है जो मैमल्स में होती है। तो भाई ये भी तो कनेक्टिंग लिंक हुई। कनेक्टिंग लिंक क्या है, जो दो चीजों को कनेक्ट करे। ठीक, रेप्टाइल्स क्या है, एग को ले करते हैं जो कि प्लेटिपस कर रहा है, मेमरी ग्लैंड मैमल्स में होती है लेकिन प्लेटिपस के पास है, तो ये कनेक्टिंग लिंक भी तो हो गई। एक होती है लंग फिश। लंग फिश क्या है, ये लंग से रेस्पिरेशन करती है। ठीक, लेकिन फिश क्या कर रही है यहाँ पर, गिल्स से रेस्पिरेशन कर रही है, और लंग फिश हमारी लंग से रेस्पिरेशन कर रही है। तो ये किसका एग्जाम्पल होगा, ये किसकी लिंक हो गई, ये मैमल और एम्फीबियन की हो गई। हो गई कि नहीं हो गई, क्यों, क्योंकि लंग फिश क्या है, जो लंग्स है वो तो मैमल्स में होते हैं लेकिन ये फिश भी है, मछली भी है, पानी में रहती है जो एम्फीबियन में आई जाती है। तो ये किसकी लिंक, कनेक्टिंग लिंक हो गई, ये आपकी मैमल्स और एम्फीबियंस की कनेक्टिंग लिंक हो गई। तो ये होता है। एक होते हैं एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस वो एविडेंसेस होते हैं आप लोगों के जिसमें सिर्फ एम्ब्रॉय के स्ट्रक्चर को देख के कहा जाता है कि ये सेम एंसेस्टर से बिलोंग कर रहे हैं। जैसे आप देखो, आप यहाँ पे एम्ब्रॉय की फर्स्ट स्टेज देखो, आपको सेम सेम लग रही होगी, आप क्या कहोगे, अरे यार ये तो एक ही के बच्चे हैं, बट ऐसा नहीं है ना। अब सेकंड देखो, सेकंड में थोड़ा सा ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम है, तो आप कहोगे अरे यार सेम ही है। थर्ड स्टेज पर आ जाओ, थर्ड स्टेज में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, तब आप पता लगा सकते हो। लेकिन फर्स्ट और सेकंड स्टेज में हम इतना नहीं पता लगा पा रहे, सिर्फ और सिर्फ उसके स्ट्रक्चर को देख रहे हैं। हम ये नहीं देख रहे कि फिश है, सेलमेंड है, टॉर्टल है, चिकन है, पिक्का है, काउ का है, रैबिट का है, मैन का, हमने ये नहीं देखा। हमने क्या देखा, उसके सिर्फ बॉडी के स्ट्रक्चर को देखा। ठीक, और क्या कह दिया, अरे या तो सेम क्या नाम है, ऑर्गेनिज के बेबी है। क्या कुछ ऐसा है क्या, क्या ये सेम ऑर्गेनिज के बेबी है, कभी भी नहीं है ना। तो ये होते हैं एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस कि एम्ब्रॉय के बेसिस पर, एम्ब्रॉय के स्ट्रक्चर के बेसिस पर हम ये कहते हैं कि ये सेम एंसेस्टर्स या सेम एनिमल से बिलोंग करते हैं, तो ये गलत है। ठीक, ये कैसा है, ये फेल्ड है क्योंकि गलत है। जब हो सकता होता ही नहीं है तो क्यों माने भाई, पढ़ने सारे पढ़ते हैं, आप कहोगे मैम फेल्ड है तो पढ़ क्यों रहे, वो पढ़ने सारे पढ़ते हैं, उसमें कुछ नहीं कर सकती, लेकिन ऐसा होता नहीं। उसके बाद आती है हम लोगों की डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। देखिए, हम लोगों के जो साइंटिस्ट थे चार्ल्स डार्विन, इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी और उस थ्योरी में इन्होंने अपनी एक बुक भी पब्लिश करी थी जिसका नाम था ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज। इन्होंने क्या कहा था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है अपने आप को सरवाइव करने के लिए नेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को बदलता है, और ये सही भी है। नेचर हम लोगों के हर जनरेशन के बाद अपने आप को चेंज करती है। पहले आप देखो नेचर कितना अच्छा था, विदाउट पॉल्यूशन, एकदम हर जगह प्लांट, ये सब सारी चीजें थी या नहीं थी, सब कुछ था, हम लोग को अच्छा भी लगता था। लेकिन अब क्या है, टेक्नोलॉजी आ गई, फोन, लैपटॉप, ये सारी चीजें आ गई, तो हमें क्या करना पड़ा, हमें भी उस नेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना पड़ा ना। इसी को बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन, कि नेचर ने क्या किया, अपने आप को चेंज किया और फिर हमने उस नेचर के चेंजेस को अपनाया। क्यों, क्योंकि हमें जीना है, राइट। अब हम लोग के फास्ट फूड, जंक फूड इतना आ चुके हैं, ठीक, हमें घर का खाना अच्छा नहीं लगता, और ना खाए ना तो क्या है, सर्वाइव नहीं करेंगे, और मन करता है, मन करता है। क्या है ये, नेचर में जो बदलाव हुए वो हमने अपने अंदर बदलाव किए, ऐसा नहीं करेंगे तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसे बोलते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि भाई जो अपने नेचर के अकॉर्डिंग फिट हो गया, ठीक है, वो सर्वाइव कर जाएगा, और जो नहीं हुआ वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन इनकी थ्योरी में कुछ ऑब्जेक्शंस भी थे, ये इन्होंने कहा था, कुछ ऑब्जेक्शन मतलब कुछ बीच में वो भी आ गई थी। बात ये आई थी कि जरूरी नहीं है कि हमारे हमारे हर एक ऑर्गेनिज्म में जो इवोल्यूशन हो रहा है वो सिर्फ नेचर की वजह से हो रहा है, जीन की वजह से भी तो होता है। अभी हम क्या पढ़ के आए कि इवोल्यूशन तो वही जीन या किसकी वजह से होता है, तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ नेचर की वजह से हमारी बॉडी में इवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, तो एक ऑब्जेक्शन ही हो गया। अब यहाँ पे जो डार्विन थे वो हमारी बॉडी के अंदर जो यूजफुल चीजें हैं, हमारी बॉडी में जो मॉडिफिकेशन हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, वो उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा पाए थे। इसके अलावा वो इस चीज को भी एक्सप्लेन नहीं कर पा पाए कि हमारी बॉडी में जो चेंजेस होंगे, चाहे एवोल्यूशन की वजह से हो चाहे नेचर की वजह से हो, स्लो होंगे, कैसे ऑब्जेक्ट होंगे। ये इन तीन ऑब्जेक्शन की वजह से उनकी थ्योरी थोड़ा सा
वर्क नहीं कर पा पाई थी। उसके बाद हम लोगों के और भी साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने भी अपनी थ्योरी थ्योरी दी थी। इनके बारे में जान लेते हैं। इनका पूरा नाम था चार्ल्स रॉबर्ट आनी। ये इंग्लिश बायोलॉजिस्ट थे। इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी इवोल्यूशन के लिए। ठीक है, इन्होंने बताया था कि हम लोगों की ऑर्गेनिज्म की, लिविंग ऑर्गेनिज्म की जितनी भी स्पीसीज हैं, वो हम लोगों की नेचुरल सिलेक्शन को वो परफॉर्म करती हैं और अपने आप को इवॉल्व करती हुई चली जाती है। उसके बाद हम लोगों के एक और साइंटिस्ट आए थे, जिनका था नाम था यहाँ पर लेमार्केज। लेमार्केज ने क्या बोला, पूरा नाम था इन लोगों का जीन बैप्टिस्ट लेमार्क। इन्होंने थ्योरी दी थी यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। इन्होंने कहा था कि हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। ये आपकी मदर भी कहती होंगी, अगर हाथ पैर चलाते रहोगे तो काम करेंगे और हाथ पैर नहीं चलाओगे तो काम नहीं करेंगे। आप लोगों ने सुना भी होगा इस चीज को। देखो इन्होंने क्या कहा था। इन्होंने कहा था कि हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, अगर हम उसका कंटिन्यूस यूज करते रहे नए नए तरीके से, तो वो हमारे हमेशा इवॉल्व होते हैं। और अगर हम अपनी बॉडी के ऑर्गन्स का यूज नहीं करेंगे तो वो चले जाएंगे डिसयूज में, जैसे कि अपेंडिक्स। जब हम लोग ग्रास नहीं खाते, राइट, हमारी बॉडी में जब सेलुलोज जाता ही नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो अपेंडिक्स है वो तो अपने आप ही डिसयूज हो जाएगी ना। अगर हम घास खाना छोड़ते ही नहीं, सेलुलोज खाना छोड़ते ही नहीं, तो क्या अपेंडिक्स हमारी बॉडी से डिसयूज होती? कभी नहीं, आज भी काम कर रही होती। और इन्होंने इस चीज के लिए एक एनिमल्स का एग्जाम्पल दिया था, वो मैं आपको बताती हूँ। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने क्या देखा, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। पहले जो आज के टाइमिंग पर जो सबसे लंबी नेक होती है वो जिराफ की होती है, सभी लोगों को पता ही है। क्यों होती है? लेकिन पहले ऐसे नहीं थी। जिराफ की जो नेक थी वो शॉर्ट, देखो हमने देखे नहीं है, हम सिर्फ थ्योरी पर बिलीव कर सकते हैं, साइंस की थ्योरी पर, नथिंग एल्स। क्या हुआ, जो जिराफ थे उनकी जो नेक थी वो थी शॉर्ट, ना तो वो घास खा पा रहे ना वो पेड़ खा पा रहे, लेकिन उन्हें भाई जीना भी है, खाएंगे नहीं तो जी नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले उन्होंने क्या ट्राई किया, चलो घास खाते हैं, सर नहीं पहुंच पाया, बहुत छोटा था। फिर उन्हें कुछ छोटे छोटे पौधे मिले, तो उन्होंने कुछ चलो यही खा लेते हैं, तो उन्होंने कुछ खाया, उन्होंने कोशिश करी ऐसे नेक को खींच खींच के उन्होंने पत्ते खाना शुरू कर दिया। ठीक है, फिर उनकी आई फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में क्या नोटिस हुआ कि जो जिराफ की नेक है थोड़ी सी स्ट्रेच हो गई है, थोड़ी सी स्ट्रेच हो गई है, तो वो ऊपर के पेड़ खाने लगे। थर्ड सेकेंड जनरेशन आई, सेकेंड जनरेशन में उनकी नेक थोड़ा सा और स्ट्रेच हो गई है। थर्ड जनरेशन आई और स्ट्रेच हो गई है। फोर्थ जनरेशन आई और स्ट्रेच हो गई है। ठीक है, ऐसे कर करके बहुत सारी जनरेशन, 50 60 जनरेशन आई, और आज के टाइमिंग पर हमारे पूरे अर्थ पर सबसे जो लंबी नेक है वो जिराफ की कही जाती है। ये थी उनकी यूज और डिसयूज थ्योरी। इसको हम एक्वायर्ड कैरेक्टर्स ऑफ लिमेरिकस भी कह सकते हैं। यहाँ पे देखो, जो पहले स्वैम और डक थे, कहने को ये बर्ड्स हैं बट दे कांट फ्लाई, बट दे कांट फ्लाई, इनके पास ना पहले पंख हुआ करते थे, पहले पंख हुआ करते थे, बट इन्होंने उनका यूज नहीं करा। इनको पानी में अच्छा लगता था तो उन्होंने स्विमिंग सीख ली, और धीरे धीरे करके उनके पंख गायब हो गए। अब उनके पंख नहीं है, सिर्फ वो स्विम करते हैं। ऐसी स्नेक्स, स्नेक्स के पास कहा जाता है पहले लेग्स हुआ करते थे, लेकिन उनको रेंगना पसंद था, और जैसे जैसे उन्होंने रेंगना पसंद करा उनके लेग्स गायब होते चले गए। अब वो सिर्फ रेप्टाइल यानी कि रेंगते हैं, वो चल नहीं सकते। क्या है यूज और डिसयूज, कि आप अपने बॉडी के जिस ऑर्गन का यूज कर लोगे वो कंटिन्यू में रहेंगे, और जिस ऑर्गन के यूज छोड़ दोगे वो क्या हो जाते हैं, यहाँ पर डिसयूज में चले जाते हैं। देखो ये जिराफ का एग्जाम्पल उन्होंने दिया था, पहले शॉर्ट थी, फिर थोड़ा सा बड़ी हुई, फिर और लेंथ चली गई, राइट, ये चीज थी। इतना समझ में आया। नेक्स्ट आता है आप लोगों का स्पीसिएशन। इसमें सिर्फ डेफिनेशन आती है, ज्यादा समझने की या पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्पीसिएशन का मतलब होता है द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। स्पीसीज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रोड्यूस टू फर्टाइल इंडिविजुअल थ्रू नेचुरल रिप्रोडक्शन। 2 मार्क्स की डेफिनेशन आती है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं आता है। देखो रिविजन में हम वो करते हैं जो हमारे एग्जाम में आता है, पूछा जाता है, थ्योरी नहीं पढ़ते। थ्योरी तो पहले भी पढ़ चुके हो, थ्योरी नहीं पढ़नी है, वो चीज पढ़नी है जो आपके एग्जाम में आती है। तो स्पीसीज, स्पीसिएशन क्या है? स्पीसिएशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें न्यू स्पीसीज की फॉर्मेशन होती है। किससे होती है? जो ऑलरेडी हमारे ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं इस अर्थ पर नेचुरल रिप्रोडक्शन से। तो आप लिख सकते हो दैट फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स दैट कैन रिप्रोड्यूस फर्टाइल इंडिविजुअल थ्रू नेचुरल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन करके
जब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस से कोई भी प्लांट या एनिमल अपने न्यू स्पीसीज को प्रोड्यूस्ड करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं स्पीसिएशन। ठीक है, और देखो ये चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो स्पीसिएशन है ना, यानी कि जो न्यू स्पीसीज डेवलप होती है, हर एक अपने ज्योग्राफिकल रीजन की अलग अलग होती है, हर एक ज्योग्राफिकल रीजन की अलग होती है, क्योंकि उनके फीचर्स थोड़े से कैरेक्टर्स अलग हो जाते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर बात करें टाइगर की, टाइगर देखो यहाँ पर हम लोग बात करें अफ्रीका में भी है, इंडिया में भी है, लेकिन अफ्रीका और इंडिया का जो ज्योग्राफिकल रीजन है अलग है ना, तो वहां के टाइगर के जो थोड़ा सा कैरेक्टर्स और फीचर्स होंगे डिफरेंट होंगे, और इंडिया का थोड़ा सा अपना ज्योग्राफिकल रीजन अलग है, तो यहाँ के टाइगर्स का जो फीचर्स और कैरेक्टर्स होगा वो वहां से क्या होगा, अलग होगा। ठीक है, तो यहाँ वही लिखा हुआ है, स्पीसीज ग्रो इन अ डिफरेंट ज्योग्राफिकल कंडीशन, सो देयर फूड हैबिट रिप्रोडक्टिव एबिलिटी पीरियड हर कुछ उसमें क्या होगा, डिफरेंट होगा। ये कहीं ना कहीं हम लोगों के ज्योग्राफिकल रीजन पर भी डिपेंड करता है। उसके बाद आता है हम लोगों का ह्यूमन इवोल्यूशन। ह्यूमन इवोल्यूशन में आप लोग जानते हैं कि भाई धीरे धीरे कैसे करके हम लोगों के ह्यूमंस ने अपने आप को इवॉल्व किया है। आज से 4 साल पहले बात करें तो भाई पहले मंकी की फॉर्म में थे हम लोग, जिसमें टेल हुआ करती थी। ठीक, उसके बाद फिर हम लोगों के आज से 20 लाख साल पहले की बात करें तो हम लोगों को एक जीनस मिला होमो, हम लोगों के थोड़े से डेवलपमेंट होने लगा। आज से 15 साल पहले की बात करें तो हम लोगों ने इरेक्ट पोस्चर में वॉक करना शुरू कर दिया। ठीक, और ये चीज़ ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हम लोगों की जो ह्यूमन का एग्जिस्टेंस है चाइना और इंडोनेशिया में फाइंड आउट हुआ था। यहाँ से आज से 1 लाख साल पहले की बात करें तो हम लोगों ने फायर को डिस्कवर किया था। आज से 50,000 साल पहले की बात करें तो यहाँ पर वाइस मैन वहां पर मेंबर होने लगे थे, जो सबसे ज्यादा वाइस है उसको हेड बनाया जाता था। और सबसे पहले फर्स्ट वाइस मैन की बात करें तो नेदरलैंड कहे जाते हैं। आज से 50,000 साल पहले की बात करें तो क्रोमैग्नन सबसे पहले इवॉल्व हुए थे। आज से 10,000 साल पहले की बात करें तो वाइस मैन ने एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दी थी। आज से 5,000 साल पहले की बात करें तो हम लोगों का कल्चर स्टार्ट हो गया था, कल्चर से मतलब बहुत सारे फेस्टिवल्स बहुत सारे फंक्शंस को बनाना। 400 साल पहले की बात करें तो सोसाइटी कॉलोनी इंडस्ट्रियल सोसाइटी सेटअप हो गई। 200 साल पहले की बात करें तो हम लोगों ने अपनी सर्चिंग रूट्स का मतलब है यहाँ पर आप लोगों का सर्चिंग रूट्स का मतलब है दैट मीन कि आप लोगों का यहाँ पर हम लोगों ने नई नई चीजों को सर्च करना स्टार्ट कर दिया कि प्लैनेट्स क्यों रिवॉल्व करते हैं, सन कहाँ से निकलता है, कहाँ डूबता है, टाइम कैसे चलता है, कहाँ कहाँ मूवमेंट होता है, सितारे क्यों दिखते हैं, ये सारी चीज में सर्चिंग स्टार्ट हो चुकी थी। और आज आपके टाइमिंग पे देख सकते हो 21st सेंचुरी में क्या है, कितना सारा डेवलपमेंट हमारे हो चुका है। Got it? इसी के साथ आप लोगों का यहाँ का इस चैप्टर का रिविजन होता है फिनिश। मेरी बातें समझ में आया होगा आप लोगों को, रिवीजन था जल्दी जल्दी हम लोगों को करना है। इसी तरीके से सारे चैप्टर्स का रिवीजन आप लोग का कोशिश करेंगे कि जनवरी तक आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया जाए। Got it? बाकी के जिसने नहीं किए हैं फुल चैप्टर के साथ एक्सप्लेनेशन करना चाहते हैं वो प्लेलिस्ट पे जाकर आप लोगों के 10th के सारे चैप्टर्स आप लोग देख सकते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। ओके, अब जल्दी आप लोगों का नेक्स्ट चैप्टर का भी रिवीजन स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। पढ़ाई करते रहिए, सारी चीजों के 1 वर्ड में नोट्स बनाते रहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। Thank you. Take care, all of you, students.